अलख निरंजन, अलख निरंजन। पिया जी, ये मैं क्या देख रही हूँ आप ऐसे जोगी बाणे में? हे माई, मेरे गुरु का आदेश है कि आप मुझे भिक्षा दीजिए। हे माई, मैं आपके हाथ की भिक्षा लेना चाहता हूँ। पिया जी, आप पहले तो ये बताइए कि मुझे माई क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी अर्धंगी, आधे अंग की साझी, आप मुझे मोड़ बांध के ब्याह के लेके आए थे। हे माई, जब ये गोपीचंद राजा हुआ करता था, जब मेरे रिश्ते और नाते इस नगर से जुड़े हुए थे, लेकिन आज ये गोपीचंद फकीर बन चुका है। गुरु के द्वार पर अनख जगती है, उन्हीं के वहां पर मेरा डेरा रहता है। अब मेरे रिश्ते नाते टूट चुके हैं, अब सारा जगत इकसार मुझे दिखाई देता है। हे माई, नहीं पियाजी, नहीं। मेरे जोग को सफल कराने के लिए मुझे बेटा कहकर के भीख दे दी। नहीं पियाजी, जो आप बात मुझसे कह रहे हैं मैं वो बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरी बात को सुनिए माई। कहिएगा। और भिक्षा दे दे पाटम दे। नहीं पियाजी, नहीं। मन ने लाचार करे मत ना। तेरी
और सारे सुख तुम्हें दे दिए मेरा, सारे सुख तुम्हें दे दिए मेरा, कौन सा फर्ज रहा बाकी। सोने जैसी काया मैं क्यों साजन भस्म रमा राखी, और काया की ढेरी हो जा चले कालबली की जब चाखी। राज छोड़ के भिक्षा मांगे ये क्या थोड़ी खी साकी, और धीरज धर के भी के घाल दे, धीरज धर के भी के घाल दे, चीख पुकार करे मत ना। क्या ही तमाई कहता घड़ी क्रिया खोर करे मत ना, क्या ही तमाई कहता घड़ी क्रिया खोर करे मत ना। हे पटम दे, ये पाप मुझसे मत करवाइए पियाजी, मैं अपने पति को। और दो रोटी का चून ढाल दे, दो रोटी का चून ढाल दे, अपना धर्म निभा ले तू। कैसे खालू भीख पियाजी, मत कर मोट चारे तू। और हमारा नाता टूट लिया से, अपना मन समझा ले तू। सरदान